फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ किसी भी ऐप्स को आप किस तरीके से हाइड कर सकते हैं, वो भी अपने जो कि इनफिनिक्स के फ़ोन में। तो इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आया तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना होगा। सेटिंग में जाएंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला ऑप्शंस दिखता है तो यहाँ पे दबा के रखते हैं तो हमारा ये मेनू का ऑप्शन खुल जाता है। तो इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आइकन्स आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके आप किसी भी ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये फ़ोटोज़ को हाइड करना चाहता हूँ और यहाँ पर फाइल मैनेजर को हाइड कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब में हमारा डॉक्यूमेंट वीडियोस वगैरह होता है। तो इसी प्रकार से आप भी हाइड कर सकते हैं जो भी ऐप्स को चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको बैक कर दीजिए एरो पे क्लिक करके, और ये सारा ऐड हो गया। अब यहाँ पे आप ढूंढेंगे तो आपका वो ऐप्स नहीं दिखेगा, अब वो सारे ऐप्स हाइड हो गया। अब इसको वापस से इसको अनहाइड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए, आइकन्स पर जाइए और इन सब को इस तरीके से एक बार और दिखा देता हूँ। इस पे गए, आइकन्स पे क्लिक किया और प्लस पे क्लिक किया, उसके बाद इन सब को अनसेलेक्ट कर देना है और यहाँ से बैक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन में से जो ऐप्स है वो वापस आ चुका है, गैलरी वगैरह पहले नहीं था। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।